गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम डाइन के इस सिक्स्थ वीडियो लेक्चर में डाइन्स के बहुलीकरण के बारे में पढ़ेंगे। जो एल्कीन की तरह सेम डाइन भी बहुलीकृत हो जाते हैं, परंतु सामान्य एल्कीन के बहुलकों की तुलना में जो डाइन्स हैं उनके पॉलीमर्स ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। डाइन्स में बहुलीकरण में, क्योंकि एक मोनोमर जो है वो दूसरे मोनोमर के साथ 1-2 या 1-4 योग होता है, क्योंकि जैसे कि आप इस रिएक्शन में पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर एराइलिक बॉन्ड की वजह से 1-2 या 1-4 योग होता है, तो इसलिए यहाँ पर बनने वाला पॉलीमर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। आप इक्वेशन में देखें, 1,3-butadiene है, ट्रांस इसका ज्योमेट्री है, 1,3-butadiene का एक यूनिट दूसरे यूनिट के साथ जुड़ रही है परोक्साइड की उपस्थिति में, क्योंकि हम जानते हैं कि परोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया में क्या बनता है, मुक्त मूलक, और इस प्रकार से सिस पॉलीबुटाडाइन और ट्रांस पॉलीबुटाडाइन का निर्माण होता है। तो परोक्साइड या अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करने पर इस प्रकार से बहुलीकरण हो जाएगा। नीचे आप देख सकते हैं एन नंबर ऑफ ब्यूटाडाइन, और इस तरह से समपक्ष या विपक्ष पॉलीब्यूटाडाइन बन रही है। तो ये है सिंपल पॉलीमराइजेशन। डाइन्स के कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स हैं, तो एक है नेचुरल रबर, प्राकृतिक रबर। प्राकृतिक जो रबर होता है, जो नेचर में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है, वो पॉलीमर होता है आइसोप्रेन का। आइसोप्रेन आप जानते हैं कि 1,3-butadiene के सेकंड कार्बन पर अगर मैथिल समूह लगा दें तो उसका कॉमन नेम हो जाता है आइसोप्रेन। तो इस प्रकार आप आइसोप्रेन की दो मोनोमर यूनिट देख सकते हैं, रिएक्शन देख सकते हैं फर्स्ट रिएक्शन के अंदर, और किस तरह से जो एक और दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो रहा है दो और तीन कार्बन के बीच में। एरो से आपको शो किया हुआ है कि 1, 2, 3, 4, सो एक और दो के बीच में जो पाई बॉन्ड है वो दो और तीन कार्बन के बीच में शिफ्ट हो रहा है, और तीन और चार वाला फिर वो किस पर आ रहा है, फोर्थ कार्बन पर, और इस प्रकार से फिर वो दूसरी आइसोप्रेन यूनिट से जुड़ जाता है। और इस प्रकार दो आइसोप्रेन अगर सिस ज्योमेट्री में जुड़ती हैं, सिस विन्यास में जुड़ती हैं, तो वो कहलाता है नेचुरल रबर। और अगर ये दोनों यूनिट्स, जो कि नीचे वाले इक्वेशन में आप देखें 2-methyl-1,3-butadiene यानी कि आइसोप्रेन, यहाँ पर अगर ये आपने ऊपर वाले रिएक्शन में देखिए कि दोनों कैसे हैं, इनका विन्यास है सिस, जो 1,3-butadiene है आइसोप्रेन है उसका सिस विन्यास है, तो सिस विन्यास वाली जो यूनिट जुड़ती हैं परोक्साइड की उपस्थिति में, तो जो रबर प्राप्त होता है उसका विन्यास सिस होता है। और अगर वो आइसोप्रेन का विन्यास ट्रांस है तो जब बहुलक बनता है तो उसका विन्यास भी क्या आ जाता है, ट्रांस। और जब ट्रांस में जुड़ते हैं, ट्रांस में 1,3-butadiene जुड़ती है, तो उसे हम कहते हैं गट्टा पर्चा रबड़, जो कि एक नेचुरल रबड़ है। ये थोड़ा कठोर और हार्ड होता है। तो इस प्रकार से ज्योमेट्री के आधार पर कि जो डाइन है आइसोप्रेन है, अगर वो उसकी यूनिट सिस फॉर्म में है, सिस ज्योमेट्री में है, तो नेचुरल रबड़ मिलेगा सिस में, और अगर वो ट्रांस में है तो गट्टा पर्चा रबड़ कहलाएगा। इसके अलावा डाइन में बहुलीकरण से कई प्रकार के सिंथेटिक रबड़ का भी उत्पादन किया जाता है। जो ब्यूटाडाइन है, डाइन्स हैं, उनसे हम सिंथेटिक रबड़ भी बनाते हैं, जिसमें से कुछ कॉमन है, ये है ब्यूना रबड़। 1,3-butadiene को जब हम सोडियम की उपस्थिति में बहुलीकरण करते हैं तो हमें मिलता है ब्यूना रबड़। तो आप रिएक्शन देख रहे हैं, 1,3-butadiene है, सोडियम की उपस्थिति में हमने अभिक्रिया कराई है, तो जो रबड़ मिला है वो कहलाएगा ब्यूना। और ब्यूना एस है ब्यूटाडाइन, और एस का मतलब है स्टाइरीन।
75% अगर हम 1,3-butadiene लें और 25% स्टायरिन लें और सोडियम की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो घोलीकरण होकर 80% 1,4 योग तथा 20% 1,2 योग के फलस्वरूप बहुलक बनेगा। नीचे वाले रिएक्शन में देखिए ब्यूटाडाइन लिखी हुई है, वो 75% हम लेंगे, 25% हम स्टायरिन लेंगे और सोडियम की उपस्थिति में अभिक्रिया करा दी जाएगी। और इस प्रकार से नीचे आप बहुलक देख रहे हैं, आपको सिर्फ फर्स्ट यूनिट को सेकेंड यूनिट से जोड़ना है, जो बॉन्ड होता है उसको हमें दो 1 और 2 कार्बन के बीच के बॉन्ड को 2 और 3 कार्बन के बीच में ऐड करना होता है, उसको शिफ्ट कर देते हैं। और इस प्रकार से दोनों यूनिट को जोड़ दीजिए और इस तरह से सिंपली टर्मिनल टर्मिनल कार्बन एटम को जोड़ देंगे हम और पाई बॉन्ड को शिफ्ट कर देंगे तो सिंपल आपको रबड़ की प्राप्ति हो जाएगी। ब्यूना एन, ब्यूना मतलब 1,3-butadiene और एन मतलब नाइट्राइल। अगर 75% 1,3-butadiene लेंगे और 25% हम एक्रिलोनाइट्राइल लें, एक्रिलोनाइट्राइल होता है CH2 डबल बॉन्ड CHCN, इन दोनों की आपस में जब अभिक्रिया होगी सोडियम की उपस्थिति में तो इस प्रकार से 1,3-butadiene जो है एक्रिलोनाइट्राइल के साथ जुड़ जाएगा। एक्रिलोनाइट्राइल की दोनों साइड पर, दोनों टर्मिनल पर हम क्या जोड़ देंगे, कार्बन के टर्मिनल पर 1,3-butadiene। और इस प्रकार से आपको जो रबड़ प्राप्त होगा वो कहलाएगा ब्यूना एन। ये जो रबड़ होता है ये उच्च कोटि का होता है और कार्बनिक विलायकों से प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट रबड़ है सिंथेटिक रबड़, नियोप्रिन रबड़। अगर 2-chloro-1,3-butadiene के बहुलीकरण से जो का बहुलीकरण किया जाए, यानी कि यहाँ पर हमने सेकेंड कार्बन पर क्या समूह ले लिया है, क्लोराइड, क्लोरोप्रिन भी कहते हैं इसको। आइसोप्रिन में CH3 होता है और यहाँ पर होता है क्लोराइड, तो इसे हम कहते हैं क्लोरोप्रिन। इसका बहुलीकरण करेंगे तो क्योंकि एक ही है, ये सहबहुलीकरण नहीं है, एक ही प्रकार का यानी कि होमो पॉलीमराइजेशन है, एक ही प्रकार का यूनिट है क्लोरोप्रिन, तो इसका बहुलीकरण होकर एक संश्लेषित रबड़ बनेगा जो कि काफ़ी अच्छा मौसम प्रतिरोधक होता है, अर्थात मौसम का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये तो थे सिंथेटिक और नेचुरल रबड़। और अब हम पढ़ेंगे इसका लास्ट पार्ट, दैट इज 1,3-butadiene का बल्किनाइजेशन ऑफ रबड़, रबड़ का बल्किनीकरण। ऐसा हम क्यों करते हैं, जो सिंथेटिक रबड़ हमने अभी पढ़ा और जो नेचुरल रबड़ हमने पढ़ा उनकी एक लिमिट तक ही इलास्टिसिटी होती है, अर्थात खींचने की क्षमता होती है। तो अगर हम रबड़ का बल्किनीकरण कर देते हैं तो उसकी इलास्टिसिटी को हम बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए जो रबड़ होता है, चाहे वो नेचुरल हो या सिंथेटिक हो, उसको अगर हम सल्फर के साथ गर्म करेंगे, नेचुरली जो नेचुरल रबड़ है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो सिंथेटिक रबड़ का जब सिंथेसिस किया जाता है तो उसके साथ साथ सल्फर भी ले लिया जाता है। सल्फर के साथ जब हम गर्म करते हैं तो निकटवर्ती आइसोप्रिन के बहुलकों की श्रृंखला आपस में सक्रिय एलिल स्थिति पर सल्फर द्वारा सहसंयोजक बंध से जुड़ जाती हैं। यानी कि जो भी 1,3-butadiene है, आइसोप्रिन है, उसकी जो यूनिट्स हैं उसमें जो एक्टिव एलिलिक पोजीशन है वहां पर सल्फर बॉन्ड बन जाता है। एक आइसोप्रिन की यूनिट दूसरे आइसोप्रिन की यूनिट से कौन कौन से कार्बन से जुड़ेगी, जहां पर एलाइलिक बॉन्ड होगा, जहां पर एलाइलिक एक्टिव साइट्स होगी, तो वहां पर उन दोनों के बीच में सल्फर बॉन्ड जुड़ जाता है और एक ब्रिज बन जाता है। इस प्रकार एक जो मोनोमर श्रृंखला है दूसरी श्रृंखला के सापेक्ष उनका विचलन या मूवमेंट संभव हो जाता है और इससे रबड़ में इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, वो कठोर हो जाता है और मजबूती भी बढ़ जाती है, अर्थात उसको खींचने पर वो टूटेगा नहीं। चलिए हम इसको रिएक्शन में देखते हैं, एलाइलिक पोजीशन दिखाते हैं आपको। ये देखिए सबसे ऊपर ये जो रबड़ है हमारा
आइसोप्रिन से बनाया हुआ ब्यूना जो रबड़ है, जिसे हम सिंपल ब्यूना रबड़ कहते हैं, जो आपने अभी सिंथेटिक रबड़ में पढ़ा था ब्यूना, तो आइसोप्रिन हमने लिया है। और इसकी जो आपस में श्रृंखलाएं एक आइसोप्रिन की कई सारी यूनिट मिलकर एक यूनिट बनाएंगी, तो वो हो गई मोनोमर यूनिट फर्स्ट। और इसी प्रकार से दूसरे मोनोमर है हमारा, बहुलक है मोनोमर सेकंड। अब आपको इसमें एलाइलिक पोजीशन देखनी है, तो आप देखिए CH3 जो साइड वाला मोनोमर यूनिट का फर्स्ट कार्बन है वो एलाइलिक पोजीशन है, और सेकंड में भी CH2 एलाइलिक पोजीशन है। तो इस प्रकार से ये आपस में बॉन्डिंग कर लेते हैं। इसी प्रकार से एलाइलिक पोजीशन हो गई आपकी, अगर हम राइट से देखें 1, 2, 3, 4 फोर्थ नंबर पर, फोर्थ नंबर इज ऑल्सो एलाइलिक पोजीशन, यानी कि डबल बॉन्ड के जहां आपका डबल बॉन्ड है उससे नेक्स्ट उसके बाद जो सिंगल बॉन्ड है वो वाला कार्बन वो कहलाएगा आपका एलाइलिक पोजीशन। तो यहाँ फिर एलाइलिक पोजीशन है और इस पर फिर सल्फर जुड़ जाता है। तो इस प्रकार से एलाइलिक पोजीशन जो होती है एक यूनिट की, वो दूसरे यूनिट के एलाइलिक पोजीशन के साथ सल्फर के द्वारा ब्रिज बनाकर रबड़ को मजबूती प्रदान करती है। और इस तरह से वल्कनीकरण के द्वारा रबड़ को हम अधिक मजबूत और इलास्टिक बना सकते हैं। तो ये था आज का लास्ट पार्ट ऑफ 1,3-butadiene। अब कल हम नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइन के, यानी कि क्यूमुलेटेड डाइन और एलाइलिक और एलीन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप इसे रिवाइज करिए, एग्जाम के लिए तैयार कीजिए, और इससे पहले जो भी मैंने आपको 1,3-butadiene के रिएक्शंस और प्रिपरेशंस पढ़ाए हैं उनको रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।